हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग वो ड्रग जो लिपिड के लेवल को कम करने का काम करती हैं। अगर किसी भी इंसान की बॉडी में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनका लेवल क्या है, एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, तो उसे कम करने के लिए इन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। इसीलिए इन्हें लिपिड लोवरिंग ड्रग भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बाकी की सारी ड्रग्स डिस्कस कर ली थी। स्टार्ट किया था विद NPC1C1 लाइक जो हमारी प्रोटीन है जो कि लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली इंटेस्टाइन में, ड्यूओडेनम जेजुनम में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है जिस ट्रांसपोर्टर की वजह से, उन्हें ब्लॉक करने का काम करती है, जिसमें हमने इज़िडेमाइब ड्रग आपकी पढ़ी थी। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग थी स्टैटिन, जो कि क्या करती थी, लीवर में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक करती थी, क्योंकि हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल या तो हम डाइट से ले रहे हैं, तो डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल लिया है उसके एब्जॉर्प्शन को ना होने देने के लिए हमने क्या दी, इज़िडेमाइब दी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये भी पता है कि हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है एंडोजेनसली। सो लीवर में प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल का कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का पाथवे मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि एक एंजाइम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, अगर उसे हम ब्लॉक कर दें तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं। सो हमारी सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग जो स्टैटिन्स थी वो इसी को एंजाइम को ब्लॉक करती थी, तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया। तीसरी क्लास हमारी ड्रग की कौन सी थी, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, क्योंकि हम जानते थे कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, बाइल एसिड भी बनाता है और साथ में लिपोप्रोटीन्स भी बना रहा है, जिसमें LDL आ रहा है आपका, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है आपका बेसिकली। सो हम क्या करते हैं कि जो आपका लीवर है, लीवर के एक फंक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या करते हैं, बाइल एसिड का एक्सक्रीशन करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाने में यूज़ कर लेता है, तो लिपोप्रोटीन का लेवल खुद ब खुद आपका ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद हमने क्या की थी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी ड्रग थी वो थी नियासिन। नियासिन में मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि नियासिन मेनली किस लिए यूज़ होता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को रोकते हैं, लीवर में आपका ट्राइग्लिसराइड बनने नहीं देते हैं। इनका मेन टारगेट क्या होता है आपका, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जो हमारा एंजाइम है उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है यही वो एंजाइम है जो क्या करता है, आपका ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है ना। तो अगर आपको चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड टूटना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसका इनहिबिटर दे सकते हो। ओवरऑल हमने क्या देखा था कि नियासिन का मेन काम क्या होता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको फॉर्मेशन नहीं होने देगा लीवर में, जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं वो बना नहीं करेंगे, और एडिपोज टिश्यूज में जो ट्राइग्लिसराइड है वो टूटेगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो। उसके बाद जो मैंने आपको ड्रग हम डिस्कस कर रहे थे वो थे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव बेसिकली जो ड्रग्स हैं ये क्या करती है, जीन लेवल पे जाके काम करती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप के, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट यही था। तो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। नाम क्या था इसका, पेरोक्सिसोम पॉलीफ्रेटिव एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, PPAR। तो ये रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ये बहुत सारी प्रोटीन्स के जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। रेगुलेट करना मतलब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनका जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो अपरेगुलेट हो जाएगा, यानी कि वो प्रोटीन ज़्यादा बना करेंगी, और वहीं दूसरी ओर कुछ प्रोटीन ऐसी भी होंगी जिनका जीन ट्रांसक्रिप्शन जो, या आप बोल सकते हो जीन एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डाउन रेगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोटीन कम बनेंगी। तो बहुत सिंपल सा इसमें मैंने आपको बताया था कि जो LPL के जीन है, यानी कि लिपोप्रोटीन लाइपेज जो प्रोटीन है आपकी, जो ये एंजाइम है, इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे DNA सीक्वेंस में, ये उन जीन्स को ओवर एक्सप्रेस कर देगी, यानी कि अब जो है LPL ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है, ओवर एक्सप्रेस होना मतलब अब ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो LPL ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, और आप जानते हो जितना ज़्यादा लिपोप्रोटीन लाइपेज बनेगा उतना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड टूटेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कौन तोड़ता है, LPL, ठीक है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कराने में हम क्या हुए, हमने सक्सेसफुली ये काम कर लिया। नेक्स्ट हमारा देखो LDL रिसेप्टर के जीन को भी अपरेगुलेट कर देता है, मैंने बताया था आपको, आप जानते थे कि लीवर जो हमारी सेल है इनके सरफेस में LDL रिसेप्टर होते हैं, और ये वो रिसेप्टर हैं जो ब्लड से LDL को खींच के कहाँ लेके आते हैं, लीवर के अंदर, यानी कि ब्लड में अगर LDL का लेवल ज्यादा है तो इन रिसेप्टर्स के थ्रू उसका अपटेक हो जाता है इन द लीवर सेल।
तो ये क्या करता है, देखो पीपीएआर के एक्टिवेशन से एलडीएल के जो रिसेप्टर है ना, एलडीएल रिसेप्टर, उसके जीन को ये क्या कर रहा है, अप रेगुलेट कर रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अब एलडीएल रिसेप्टर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो रिसेप्टर भी तो प्रोटीन है, तो एलडीएल रिसेप्टर्स के नंबर बढ़ गए तो अब ब्लड में एलडीएल का लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि सारे रिसेप्टर्स जितने होंगे वो ब्लड से एलडीएल का अपटेक करेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन में एलडीएल का लेवल कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग एलडीएल के लेवल को भी कम करा सकते हैं बाय फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। थर्ड देखो इसका इफेक्ट किया है, जो हमारी एपोसी सेकेंड जीन है उसे ये डाउन रेगुलेट कर देता है। मैंने बताया था आपको कि जो हमारी एपोसी है, एपोसी का मेन काम क्या होता है कि ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, लिपिड के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। क्या किसी इंसान के, अगर आपको पता है किसी इंसान के ब्लड में लिपिड का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप चाहोगे कि वो लिपिड ना टूटे, चाहोगे ना, आप क्या चाहोगे कि वो लिपिड का ब्रेकडाउन हो, तो आप एपोसी के जीन को क्या कराना चाहोगे, डाउन रेगुलेट, क्योंकि आप नहीं चाहते, आपको पता है एपोसी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिपोलाइसिस को नहीं होने देगा, जो कि सही नहीं है। तो क्या हुआ, जो पीपीएआर के एक्टिवेशन की वजह से जो एपोसी सेकेंड के जीन थे वो क्या हुए, डाउन रेगुलेट हो गए, तो जो एपोसी है वो कम से कम बनेगा, तो आपकी लिपोलाइसिस की प्रोसेस क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लिपो ये बेसिकली क्या करता है, लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, तो ये कम रहेगा तो लिपोलाइसिस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इनहिबिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, नेक्स्ट है आपका एपोए, ठीक है, जो एपोए जीन है ना, इसके इसको क्या कर देता है, ये अपरेगुलेट कर देता है, ध्यान रखिएगा। अब कहां पड़ी थी एपोए जीन, एपोए कहां पड़ा था, ध्यान है आपको, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, HDL, H किसको रिप्रेजेंट करता है, हीरो, ठीक है, तो जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ जो एपो प्रोटीन एसोसिएटेड होती है बेसिकली, वो कौन सी है, एपो ए है, पता है ना, ये एपो ए प्रोटीन किसके साथ जुड़ी होती है, हमारे HDL के साथ जुड़ी होती है। तो जितना ज़्यादा एपो ए प्रोटीन हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी, उतना ही ज़्यादा HDL फॉर्मेशन हो पाएगी, क्योंकि HDL बनाने के लिए एपो ए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, देखो इसके एक्टिवेशन की वजह से, PPAR के एक्टिवेशन की वजह से एपो ए का जो जीन है वो अपरेगुलेट हो गया, यानी कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एपो ए बनेगा, ठीक है, एपो ए सबको पता है एपो प्रोटीन ए, ठीक है, और एपोप्रोटीन ए जितना ज्यादा बनेगा, यानी कि एचडीएल भी फॉर्मेशन आपकी उसी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होगी। सो वी कैन से दैट कि आपका एपोए जीन के अपरेगुलेशन की वजह से आप एचडीएल के लेवल को बढ़ाने में सफल हो गए हैं। और आप जानते हो एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसका क्या काम होता है आपका, एचडीएल क्या करता है, हमारे पेरिफेरल टिश्यूज, चाहे वो एडिपोज टिश्यूज हों, आपकी मसल्स हों, वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल आपका डिपॉजिट हुआ है ना, उसे खींच के लेके कहाँ आता है, आपके ब्लड में लेके आता है, और ब्लड में लाने के बाद उसे किसे डोनेट कर देता है, आपका एलडीएल को दे देता है, और एलडीएल का आप जानते हो इन रिसेप्टर्स के थ्रू अपटेक हो जाएगा, कहाँ पहुंच गया कोलेस्ट्रॉल, लीवर में, और लीवर में वो स्टोर्ड रहेगा, और लीवर में फिर क्या होगा, जो भी जरूरत होगी, हमें पता है कि लीवर में बाइल एसिड फॉर्मेशन होने वाली है, लीवर का काम ही है बाइल एसिड बनाना, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज होगा, ठीक है। और भी देखो एलडीएल खुद में ऐसा नहीं है कि एलडीएल का सारे का अपटेक हो जाता है, एलडीएल क्या करता है, जितने भी हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन है, ठीक है, जैसे विटामिन डी है आपका, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इनको कोलेस्ट्रॉल कौन देगा, ये एलडीएल ही तो देगा, समझ में आ रहा है, एक्सेस में जो होगा वो लीवर अपटेक कर लेगा, लेकिन एलडीएल के खुद के भी फंक्शन है। तो एचडीएल ने क्या किया, देखो एचडीएल ने टिश्यूज में जो डिपॉजिटेड जो कोलेस्ट्रॉल था उसका अपटेक किया, और किसको दे दिया, एलडीएल को दे दिया, और एलडीएल अब अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, बट हाँ उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एलडीएल भी एक डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलडीएल होने से क्या होता है, क्या होता है, अगर आपको मैंने बताया था मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो आपने उसमें देखा था जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो प्लाक फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस बनता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, आपका एलडीएल डिपोजिशन, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन, ये जो आपका लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है हालांकि, लेकिन थोड़ा जो इसका मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लड में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता भी है, ठीक हो गया। तो
तो ये क्या है आपके, ये आप बोल सकते हो ये मैकेनिज्म है ऑफ फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव, कि किस तरीके से फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताए थे फर्स्ट पार्ट में, क्लोफिब्रेट है आपका, गैमफिब्रोजिल है आपका, फिनोफिब्रेट है, बेंच फिब्रेट है, सारी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो वो हमने किया था, तो वो ये सारे मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली देखो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो गया, ठीक है, लोड जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी कम करने में ये सफल रहा। लिपोलाइसिस बढ़ी, लिपिड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, और एचडीएल का लेवल बढ़ाया यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो देख रहे हैं ना फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव का कितना अच्छा इफेक्ट है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो ध्यान में रखिएगा, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स अगर आप ले रहे हैं कोई सा भी, तो उसकी वजह से जो आपको एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, पहला है आपका माइल्जिया, मसल्स में पेन आपको फील हो सकता है, हेडेक। ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव का एक एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि आपको हेडेक हो सकता है। और थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉरी जो कि आपके अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, थर्ड में इसे बता देती हूँ आपको कौन सा है, रेबडोमाइलोसिस, ठीक है, रेबडोमाइलोसिस। तो रेबडोमाइलोसिस क्या है बेसिकली, ये आपका एक एडवर्स इफेक्ट है ऑफ फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। बहुत टाइम ये पूछा जाता है कि आपके कौन सी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है जिसका एडवर्स इफेक्ट रेबडोमाइलोसिस है, ऑप्शन में आपको सारा दिया होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। अब बात आती है कि ये रेबडोमाइलोसिस है क्या, रेबडोमाइलोसिस मतलब होता है मसल ब्रेकडाउन, ठीक है, आपकी मसल्स क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं। तो सिंपल देखो क्या होगा, रेबडोमाइलोसिस का मतलब है आपका मसल ब्रेकडाउन, और वो भी एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है। अब आप जानते हो मसल टूटेगी तो बेटा मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन, है ना। तो ये हमारी जो मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, हमारे प्लाज्मा में आ जाएगी। और ये मायोग्लोबिन प्रोटीन की एक खासियत है कि अगर ये हमारी किडनी में गई तो ये किडनी डैमेज कॉज करती है, समझ में आ रहा है। ज़्यादा मायोग्लोबिन अगर हमारे ब्लड में रहेगा तो ये अगर हमारी किडनी में गया तो किडनी डैमेज होगा। तो आप कह सकते हैं कि रेबडोमाइलोसिस है तो मसल ब्रेकडाउन, मसल इसमें ब्रेक होने लगती है, बट अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा आपका, किडनी डैमेज। समझ में आ गया कैसे हुआ। तो ये है ऑल अबाउट हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में हमने पूरा कवर कर लिया कि कौन सी ड्रग बेसिकली यूज होती है, उनके क्या मैकेनिज्म है, क्या एडवर्स इफेक्ट उनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी ड्रग ऐसी है जो केवल ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा, कौन सी ऐसी है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों के लेवल को कम करने का काम करेगी, ठीक है। तो आपको ओवरऑल हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।